के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ। प्रभारी मंत्री ने कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधा देने के उद्देश्य से की गई है इस योजना की शुरुआत। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला चढ़ा कैंट पुलिस के हत्थे। खंड शिक्षा अधिकारी से बदला लेने के लिए किया था ये हरकत, एएसपी रोहन प्रमोद पोत्रे ने किया खुलासा। दीपावली व धनतेरस पर्व के मद्देनजर एडीजी आईजी एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने काली मंदिर से राजघाट थाने सहित प्रमुख बाजारों में किया पैदल गश्त। लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास, कहा पूरी तरह सतर्क है पुलिस। गोरखपुर वासियों को जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, मंडलायुक्त जयंत नालिकर व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने धनतेरस दीपावली की दी शुभकामनाएं। धनतेरस पर ऑटो बाजार से लेकर सोने चांदी की दुकानों पर उमड़ी भीड़, बाजारों में बढ़ी रौनक, विशेष छूट पर लोगों ने जम कर दी खरीदारी। धनतेरस पर्व पर सीओ कैंट ने लिया ज्वेलरी शॉप के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, सड़क की तरफ सीसीटीवी लगवाने के दिए निर्देश। दीपावली पर्व को देखते हुए 25 से 27 अक्टूबर तक पड़ने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बंदी में भी खुलेंगी दुकानें, डीएम ने दिए आदेश, कहा उसकी जगह 8 नवंबर को रहेगी बंदी। चोरी के एक टुल्लू पंप और 5 बैटरी के साथ 2 अभियुक्तों को गोरखनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। शहीदों की याद में 11,000 दीपों से जगमगाया गोरखनाथ मंदिर का भीम सरोवर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। और धनतेरस पर दिव्यांग छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित दीयों, मोमबत्ती आदि का आयोजित किया गया मेला। उपनिदेशक ने कहा, बिक्री से हुई आमदनी मिलेगा दिव्यांग बच्चों को।